हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फूडीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन चीज़ बॉल की रेसिपी, जो बड़ों और बच्चों की फेवरेट इफ्तार स्नैक रेसिपी है। ये 3 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और टेस्ट तो इसका माइंड ब्लोइंग होता है। तो देख लेते हैं इसे बनाना कैसा है। सबसे पहले हम यहाँ चिकन का कीमा लेंगे। यहाँ हमने 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन डालेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स और ये 2 टेबल स्पून कद्दूकस की हुई प्याज, जिसको हमने अच्छे से निचोड़ लिया है, डाल देंगे इसमें। और ये 1 टेबल स्पून हरी चटनी भी डाल देंगे, इससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से। चिकन चीज़ बॉल में बहुत माइंड से मसाले जाते हैं, ज़्यादा मसालों का यूज नहीं होता है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून घी या ऑयल डालकर मिक्स करेंगे। और अब एक प्लेट लेंगे, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। और ये हमारे मैदे की कोटिंग रेडी है। और अब चलते हैं चिकन चीज बॉल बनाने के प्रोसेस में। उसके लिए सबसे पहले एक बॉल के साइज का कीमा लेंगे और इसकी स्मूथ सी बॉल तैयार कर लेंगे। अब इसको थोड़ा फ्लैट करेंगे और इसमें मोजरेला चीज़ का क्यूब लेकर इसके अंदर कवर कर देंगे इस तरह से। और इसके एक स्मूथ सी बॉल बनाकर तैयार करेंगे ताकि कोई क्रैक्स ना पड़े। क्रैक्स होंगे तो हमारी बॉल फट सकती है फ्राई करते टाइम, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए। अब इसकी मैदा की फ्लोर में कोटिंग करेंगे और फिर इसको अंडे में डिप करेंगे। यहाँ हमने एक अंडे को पहले से ही फेंट लिया था। इसके बाद क्रम कोटिंग के लिए हमने यहाँ कॉर्नफ्लेक्स को हल्का ग्राइंड कर लिया था, इसमें क्रम कोट करेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम भी ले सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सारे चीज बॉल तैयार कर लेंगे। अगर आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो इनको आप आराम से 1 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे इनको डीप फ्राई करने के लिए। यहाँ हमने ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया है। अब इनको एक एक करके ऑयल में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है और इनको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे चिकन चीज बॉल पर कलर आया है। अब इनको निकाल लेंगे और ये हमारे चिकन चीज बॉल बनकर तैयार हैं। यहाँ मायोनीज और तंदूरी सॉस से गार्निश करेंगे।
वाओ सुपर, आप देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं हमारे चिकन चीज़ बॉल, कितने इजी थे इनको बनाना। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने प्यार मेन्यू में ऐड करें, और अपना फीडबैक देना कमेंट में मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।